आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज़। देखते रहिए माशरे के खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को। उजागर किया जा रहा है, मैं ज़ारा शेख, क्राइम टुडे न्यूज़। अहमदनगर डिवीजन फसलांसर इलाके में कचरे के अंबार लगे हुए हैं। मुकामी लोगों इस कचरे की बदबू से कई घरों में बीमारी का शिकार हो चुके हैं, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। मुकामी लोगों ने जिसकी शिकायत जीएचएमसी और जिम्मेदारों को करने के बावजूद किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिस पर आवाम का गुस्सा बेकाबू हो रहा है। हुकूमत करोड़ों रुपए कचरे पर खर्च करने के बावजूद जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे हैं। आवाम के पूछने पर स्ट्राइक के नाम पर मुसलसल आवाम को परेशानी दे रहे हैं। मुकामी लोगों ने क्राइम टुडे न्यूज़ के जरिए बात करते हुए कहा, हुकूमत को जल्द से जल्द जीएचएमसी के जिम्मेदारों को इस मसले को हल करने के लिए कहा गया है। शेख वाहिद के साथ क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। ए भाई जरा साफ तो रखो, घर ही नहीं गलियां भी, सड़कें ही नहीं नालियां भी, कस्बे ही नहीं बस्तियां भी। ए भाई गंदगी की जो है वो तेरा घर नहीं, बंगला नहीं, कोठी नहीं, गार्डन नहीं, बेडरूम नहीं, बिस्तर नहीं, इंडिया है। और प्यारे इंडिया क्यों गंदा है, और इंडिया में बड़े को भी, छोटे को भी, पतले को भी, मोटे को भी, खारे को भी, खोटे को भी, नेक इरादे को, स्वच्छता के वादे को निभाना यहाँ पड़ता है। ए भाई सफाई से डरता है क्यों, कूड़ा तू करता है क्यों, झाड़ू न जब तक उठाएगा दुनिया में साफ तू कैसे कहलाएगा, सफाई है चीज क्या नहीं जान पाएगा, रोता हुआ आया है रोता चला जाएगा। ए भाई कैसा ये मंजर है, कैसा खिलवाड़ है, फेंकता है कूड़ा और कहता समझदार है, चाहता सफाई भी झाड़ू लगाई भी, फिर गंदगी क्यों करता मेरे यार है। और मित्रों सुनो, सफाई अपनाना है, देश चमकाना है, करके दिखलाना है, स्वच्छाग्रह के आईने में इंडिया को दिखाना है। ए भाई हम आप हजरा से गुजारिश करते हैं कि भाई ये श्री रामनगर कॉलोनी का जो है ना बहुत बड़ा हिस्सा है, यहाँ पर कचरे की अंबार थी जो तकरीबन 10-12 दिन 15 दिन तक रही। यहाँ पर हमारी दुकान है न्यू मॉडर्न ट्रेलर के नाम से, यहाँ पर जो है ना हर मंगल को बाजार भी लगता है, यहाँ पर तरकारी वगैरह भी लगती है, तो यहाँ लोग बीमार हो जाते हैं। यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि भाई दुकान के अंदर हम जब बैठते हैं तो बदबू आने लगती है। आप हजरा से गुजारिश की जाती है कि इस प्रॉब्लम को हमारे हल कर दें, ताकि यहाँ पर जितने भी जहाँ भी है तो साफ़ सुथरा रहे, तो हर एक के लिए बेहतर है और मुनासिब बात है। और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अपने जो है ना कारिंदों को भेज कर हमारा जो है ना मसला हल करवा दें, ताकि हमारी जो है ना मदद कर दें, ताकि बार बार बोलने से सहूलत नहीं होती। फिर दूसरी बात यह है कि यहाँ पर तारक खाना बन गया है, ये बिल्कुल गंदी हालत में है और यहाँ पर बदबू भी आती है। बदबू तो इतनी आती है कि हर चलने वाला, आने चलने वाला, जाने वाला, बैठने वाला सब महसूस करता है। तो हम आप हजरात से गुजारिश करते हैं कि श्री रामनगर कॉलोनी का हिस्सा, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट है, ऐसे नहीं कि जो मामूली से लोग रहते हैं, बल्कि बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग भी रहते हैं, यहाँ पर इस तकलीफ को उठा रहे हैं। आप हजरात से हमको जो है ना बरी कर दें कि जीएचएमसी वालों से गुजारिश कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम को हमारे हल कर दें, ताकि हर एक के लिए सहूलत हो और अच्छी बात हो, ताकि बीमार होने वाला शख्स भी जो है ना बीमार हो जाए तो फिर उसकी दवा दारू करने के लिए बहुत सारी मुश्किल। यहाँ पे बड़े बाज़ार शहर नगर में यहाँ स्मार्ट विलेज के पास कम से कम जो है 20-25 दिन से कचरा पड़ा हुआ है, जाने आने को तकलीफ हो रही, और उसका गंदा पानी जो है ना पूरे रास्ते में आ रहा, उसको जो है सो नमाज वगैरह जाने को भी तकलीफ हो रही, लिहाजा जो है ना कचरा बहुत बढ़ जा रहा, मच्छर भी बढ़ जा रहे,
और बच्चे थोड़ा जो है ना बुखार से भी बढ़ जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी वाले, क्या कर रहे हैं जिसकी जो है तो इतने दिन से जो है ना अभी आने को कम से कम मतलब 20-25 दिन हो गए और नमाज़ वगैरह को जाने को भी तकलीफ हो रही, पूरा गंदा खुंदल के जा रहे, गंदा जो है ना गलीजात खुंदल के जा रहे, कचरा रास्ते में फेंक दे रहे, कचरा बहुत दिन से यहाँ पर पड़ा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़ जा रहे, ज़रा इसकी जो है सो जल्द से जल्द कार्रवाई करने की कोशिश करिए। ये भाई कचरा यहाँ पे है, एक महीने से पड़ा हुआ है यहाँ पे, जीएमसी वाले क्या कर रही है, हम लोगों को तकलीफ हो रही है, दुकान पर पड़े हुआ है कचरा, ये फसलांसर बड़े बाजार उस्मान पेटी के सामने ब्रिज जो नया पड़ा वहाँ पे पड़ा हुआ है, जीएमसी वालों को बोल रहे तो उठाओ, बोले तो गाड़ियों की स्ट्राइक है, बोल रहे ये रमज़ान का महीना आ रहा है, यहाँ पे गलीजात है, पूरी दुकान में मक्खियाँ आ रहे, हमारे मच्छर आ रहे, छोटे बच्चे जा रहे हैं यहाँ पे, वो ला के गोजी दुकान वाले छिछड़े डाल दे रहे हैं यहाँ पे, कर रहे कचरे में पूरा वो कर दे रहे, कि क्या ऐसा बोलो आप लोग, आप लोग रहते पर भी ये ग्रेटर हैदराबाद बोले, ये तो कचरा कर हैदराबाद बना दिया आप लोग यहाँ का, बोल रहे तो इनसे जालों को बोल रहे वो साफ को जाके बोलो, वो साफ को बोले तो बोल रहे वो साफ को बोलो, बोल रहे क्या है साहब ये। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं ज़ारा शेर।